नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी वर्ब की है। इस वीडियो का एक पार्ट पहले भी आ चुका है, उस पार्ट में मैंने आपको वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म याद करने की ट्रिक बताई थी। तो अगर आप वो पार्ट नहीं देखा है आपने, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और जो आज की वीडियो है, इसमें जो भी वर्ब मैं आपको बताने वाला हूँ, उनको आपको रट डालना है। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठिए, एक एक वर्ब को लिख लीजिए, या फिर वीडियो के साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, एक एक वर्ब को लिखते हुए चलिए। एक भी वर्ब मिस नहीं करना है। और एक और बात, अगर आपने ये वीडियो शुरू किया है, यानी कि अगर आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने हुए रहना है, क्योंकि आप भी जानते हैं ना, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। आपको बीच में इस वीडियो को नहीं छोड़ना है। बाद में आप इस वीडियो को रोक करके दोबारा पूरा देखेगा, पर आपको इस वीडियो को छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा देखना है। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। और इस वीडियो की खास बात क्या है कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म जो प्रोनंसिएशन है उनका, वो प्रोनंसिएशन भी साथ में करके बताने वाला हूँ। मतलब कि कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मीनिंग प्रोनंसिएशन दोनों चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अराइज, अराइज का मीनिंग होता है उठना या उत्पन्न होना। सेकेंड फॉर्म होती है अरोज, और थर्ड फॉर्म होती है अरिजन। अब यहाँ से मैं आपको सेकेंड थर्ड फॉर्म इस तरह से नहीं बोलूँगा, मैं एक साथ लय में बोलूँगा, ठीक है, आपको समझते हुए चलना है। बी यानी होना या रहना, वॉज बीन। बेयर, अब इसको बहुत से गलत पढ़ते हैं, बियर पढ़ते हैं, पर ये गलत है। बेयर यानी सहना या जन्म देना। सेकेंड फॉर्म होगी बोर और बॉर्न। बीट यानी मारना या धड़कना, बीट बिटन। बिकम होना, बिकेम बिकम। बिगिन यानी प्रारंभ करना या शुरू करना, या शुरू करना या प्रारंभ होना, ये मीनिंग होता है बिगिन का। बिगेन और बिगन। बाइंड यानी झुकना, बेंट बेंट। नेक्स्ट है बेट यानी शर्त लगाना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है बेट बेट या बेटेड बेटेड। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड के लिए। बीड यानी बोली लगाना, बीड बीड। तीनों फॉर्म एक जैसी है। बाइंड यानी बांधना, बाउंड बाउंड। नेक्स्ट है बाइट यानी काटना। इसकी सेकेंड फॉर्म होगी बिट और थर्ड फॉर्म होगी बिटन। ब्लीड यानी खून बहाना, खून बहना या खून बहाना। सेकेंड फॉर्म होगी ब्लेड और थर्ड फॉर्म होगी ब्लेड। नेक्स्ट है ब्लो यानी हवा बहना। इसकी सेकेंड फॉर्म होगी ब्लू और थर्ड फॉर्म होगी ब्लोन। नेक्स्ट है ब्रिक यानी तोड़ना या फोड़ना। ब्रोक ब्रोकन। ब्रीड यानी पैदा करना, ब्रेड ब्रेड। ब्रिंग लाना, ब्रोट ब्रोट। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट प्रसारित करना, तीनों फॉर्म एक जैसी है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। बिल्ड यानी बनाना, बिल्ट बिल्ट। बर्न यानी जलाना या जलना, बर्नट या बर्न। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में आपको दो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, आप दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। ब्रस्ट यानी फटना या फूटना, तीनों फॉर्म एक जैसी है, ब्रस्ट ब्रस्ट। बाय यानी खरीदना, बॉट बॉट। नेक्स्ट आते हैं हम कैच। कैच का मीनिंग होता है पकड़ना, कॉट कॉट। चूज चुनना, चोज चोजन। क्लीव यानी फोड़ना, क्लेफ्ट क्लेफ्ट। कम आना, केम कम। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। कॉस्ट का मीनिंग होता है कीमत होना, और नीचे एक और कॉस्ट है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। स्पेलिंग सेम है, प्रोनंसिएशन सेम है, ओनली फर्स्ट फॉर्म का, सेकंड और थर्ड अलग अलग है। फर्स्ट है कीमत होना, फर्स्ट वाली का है कीमत होना, तो किसी चीज़ की कीमत होना, कोई चीज़ है उसकी कीमत होना, ठीक है। और जो सेकंड वाली है की कीमत तय करना, उसकी जो कोई भी चीज़ है उसकी कीमत क्या है हम तय करते हैं कि इसकी कीमत ये है, तो यहाँ पर इस वाले कॉस्ट का यूज़ होता है। और सेकंड फॉर्म होती है कॉस्टेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है कॉस्टेड। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्रिप यानी रेंगना। थर्ड सेकंड होगी क्रेप्ट क्रेप्ट। कट काटना, कट कट। डील यानी लेन देन करना, डेल्ट डेल्ट। डिग खोदना, डग डग। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे सामने थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी, डू। डू का मीनिंग होता है करना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी डिड और थर्ड फॉर्म होगी डन। ड्रो यानी खींचना।
इसकी सेकंड फॉर्म होगी ड्रो की ड्रू, और थर्ड फॉर्म होगी ड्रोन। नेक्स्ट है ड्रीम, ड्रिंक यानी पीना। सेकंड फॉर्म होगी ड्रंक और थर्ड फॉर्म होगी ड्रंक। नेक्स्ट है ड्राइव यानी गाड़ी चलाना। सेकंड फॉर्म है इसकी ड्राइव की ड्रो और थर्ड फॉर्म है ड्रिवन। नेक्स्ट है ड्रीम यानी सपना देखना। अब इसकी सेकंड फॉर्म होगी ड्रीम्ड और थर्ड फॉर्म भी होगी ड्रीम्ड। ड्वेल यानी रहना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी ड्वेल्ट और थर्ड फॉर्म भी होगी ड्वेल्ट। ईट यानी खाना। एट ईटन। फाल यानी गिरना। फेल फालन। फीड यानी खिलाना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी फेड और थर्ड फॉर्म भी होगी फेड। नेक्स्ट है फील यानी महसूस करना। सेकंड फॉर्म है फेल्ट और थर्ड भी है फेल्ट। फाइट फॉट फॉट लड़ना, फाइट का मतलब आपको पता ही है। नेक्स्ट है फाइंड, ढूंढ निकालना या खोजना। फाइंड फाउंड फाउंड। फ्ली यानी भाग जाना। फ्लेड फ्लेड। फ्लाई यानी उड़ना। फ्लो फ्लॉन। फॉरबिड यानी मना करना। अब इसको फॉरबिड ना बोलेंगे क्योंकि आपको पता है आप फोर प्रीपोजिशन का यूज करते हुए आए ना, तो आप इसको क्या बोलेंगे, फॉरबिड बोलते हैं, पर ये गलत है। इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरबिड यानी मना करना। फॉरबिड फॉरबिडन। फॉरगेट यानी भूलना। फॉरगॉट फॉरगॉटन। फॉरगिव यानी क्षमा करना। फॉरगिव फॉरगिवन। नेक्स्ट है फ्रीज। फ्रीज का मीनिंग क्या होता है, फ्रीज का मीनिंग होता है जमना, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी फ्रोज और थर्ड फॉर्म होगी फ्रोजन। गेट यानी लेना। गोट गोट। गिव देना। गेव गिवन। गो जाना। वेंट गोन। नेक्स्ट है ग्राइंड यानी पीसना। ग्राउंड ग्राउंड। नेक्स्ट है इसकी ग्रो यानी बढ़ना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी ग्रो की ग्रू और थर्ड फॉर्म होगी ग्रोन। हैंग यानी लटकना या टांगना। हंग हंग ये होगी इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। हैंग फांसी लटकाना। हैंग्ड हैंग्ड। अब ऊपर वाली हैंग और नीचे वाली हैंग दोनों की स्पेलिंग सेम है, दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है, ओनली फर्स्ट फॉर्म का, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस है, पर दोनों का जो मीनिंग है ना वो अलग अलग है। ऊपर वाले का मीनिंग होता है लटकाना या टांगना नॉर्मली, पर जो नीचे वाली हैंग है ना इसका प्रॉपर मीनिंग क्या निकलता है, फांसी लटकाना। इसी के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। हेव यानी पास होना। हेड हेड। हियर यानी सुनना। हर्ड हर्ड। हाइड यानी छिपाना या छिपना। हिड और हिडन। हिट मारना। हिट हिट। आपको पता ही है तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। नेक्स्ट है होल्ड। होल्ड का मीनिंग क्या होता है, पकड़ना। सेकंड फॉर्म होगी हेल्ड और थर्ड फॉर्म भी होगी हेल्ड। हर्ट यानी चोट पहुंचाना। तीनों फॉर्म एक जैसी है, हर्ट हर्ट। कीप यानी रखना। किप्ट किप्ट। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म एक जैसी है। नील यानी घुटना टेकना। नेल्ट नेल्ट। नीट यानी बुनना, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नीट नीट भी होगी और नीटेड भी होगी। अब आपकी मर्जी है यहाँ पर कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट है नो यानी जानना। सेकंड फॉर्म होगी नो की न्यू और थर्ड फॉर्म होगी नॉन। ले यानी रखना। लेड लेड। लीप यानी कूदना। लेफ्ट लेफ्ट। लर्न सीखना। लर्नड लर्नड। लीव छोड़ना। लेफ्ट लेफ्ट। नेक्स्ट है लेंड यानी उधार देना। अब यहाँ पर एक और वर्ब याद आ जाती है, बोरो यानी उधार लेना। इसकी जो लेन है लेंड है इसका मीनिंग तो होता है उधार देना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लेंट और लेंट। नेक्स्ट आते हैं हम लेट यानी आज्ञा देना। अब इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी है, लेट लेट लेट। लाई झूठ बोलना। सेकंड फॉर्म होगी लाइड और थर्ड फॉर्म भी होगी लाइड। लाई लेटना। ले और लेन। अब ऊपर वाला लाई और नीचे वाला लाई दोनों की स्पेलिंग सेम है, दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है, बट मीनिंग का फर्क है। ऊपर वाले का झूठ बोलने के लिए यूज किया जाता है और नीचे वाले का लेटने के लिए यूज किया जाता है। लूज यानी गवाना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लॉस्ट लॉस्ट। मेक बनाना। मेड मेड। नेक्स्ट है मीन यानी मतलब होना।
इसकी सेकेंड फॉर्म होगी मेंट और थर्ड फॉर्म भी होगी मेंट, मीट मिलना, और इसकी सेकेंड फॉर्म होगी मेट और थर्ड फॉर्म भी होगी मेट, मिसलीड पथ भ्रष्ट करना, दिशा भुला देना, मतलब जो काम कर रहा है उसे हटा देना, मिसलीड कर देना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म मिसलेड और थर्ड फॉर्म मिसलेड। नेक्स्ट है मिसअंडरस्टैंड यानी गलत समझना, सेकेंड फॉर्म मिसअंडरस्टूड और थर्ड फॉर्म मिसअंडरस्टूड, मो यानी घास काटना, मोड और मोड, ये हो गई इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है ओवरकम यानी जीत पाना या मात करना, हरा देना, ओवरकेम ओवरकम, ओवरटेक यानी अन्य यान से आगे निकलना, ओवरटेक करना तो आप जानते ही हैं, आगे से पीछे जाना, एक गाड़ी को छोड़कर के आगे निकल जाना, ओवरटेक करना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म होगी ओवरटुक और थर्ड होगी ओवरटेकन। अब है पे यानी भुगतान करना, सेकेंड फॉर्म है पेड और थर्ड भी है पेड। नेक्स्ट है प्रूव यानी साबित करना, इसकी सेकेंड फॉर्म होगी प्रूव्ड और थर्ड फॉर्म भी होगी प्रूव्ड, पुट रखना, तीनों फॉर्म एक जैसी है, पुट पुट पुट। क्विट यानी छोड़ना, क्विट क्विट, तीनों फॉर्म एक जैसी है, रीड यानी पढ़ना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म का प्रोनंसिएशन अलग है, रेड पढ़ते हैं, ठीक है ना। रेंड यानी फाड़ना, रेंट रेंट, राइड सवारी करना या सवार सवार होना, ये इसका मीनिंग होता है। अब इसकी सेकेंड फॉर्म होती है रोड और थर्ड फॉर्म होती है इसकी रिडन। नेक्स्ट है रिंग यानी बजना या बजाना, रिंग का मतलब होता है बजना या बजाना, ठीक है। इसकी सेकेंड फॉर्म होगी रेंग और थर्ड फॉर्म होगी रंग। नेक्स्ट है रिंग, अब यहाँ पर भी रिंग आ रहा है और यहाँ पर मीनिंग अलग है, पर इसका मीनिंग क्या होता है, घेरना होता है, ठीक है ना, रिंग्ड रिंग्ड, ये इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो गई। राइज यानी कि उठना या उगना, रोज राइजन, ये हो गई इसकी तीनों फॉर्म। अब है रन यानी दौड़ना, और इसकी सेकेंड फॉर्म होगी रन और थर्ड फॉर्म होगी रन। सा चीरना, शॉर्ट और शॉर्ट, अब ये हो गई इसकी क्या नाम है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। से यानी कहना, सेड सेड। सी यानी देखना, अब इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, सा। अब अपन ने एक वर्ब पढ़ी है ऊपर सा, यानी इसका मीनिंग होता है चीरना, और यहाँ पर सी की सेकेंड फॉर्म है सा, पर यहाँ पर जो सी की सेकेंड फॉर्म है ना उसका तो मीनिंग आपको पता ही है, अलग होगा, और इसका मीनिंग क्या होगा, देखा, और जो सीन है उसका क्या मीनिंग होगा, देखा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक यानी तलाश करना, खोजना, इसकी सेकेंड फॉर्म होगी शार्ट और थर्ड फॉर्म होगी शार्ट। सेल बेचना, सेकेंड फॉर्म होगी शोल्ड और थर्ड फॉर्म भी होगी शोल्ड। सेंड भेजना, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही है, सेंट सेंट। सेट डूबना, अब इसकी सेकेंड फॉर्म है सेट और थर्ड फॉर्म भी है सेट, यानी कि तीनों फॉर्म एक जैसी है। अब है शो, अब इसको सीव पढ़ेंगे, बहुत से गलत पढ़ेंगे, पर ये क्या होता है, यही तो मैं बताने के लिए आपको हर एक वर्ब प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि इसको आप गलत ना पढ़ें। इसका जो प्रोनाउंसिएशन वो क्या है, शो होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, सिलना, शॉर्ट और शॉर्ट, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो गई। शेक यानी हिलाना या हिलना, शुक और थर्ड फॉर्म होगी शेकन। शेड यानी कि बहाना या गिराना, ठीक है, इसकी सेकेंड फॉर्म होगी शेड और थर्ड फॉर्म भी होगी शेड। साइन यानी चमकना या चमकाना, ठीक है, तो अब है इसकी सेकेंड फॉर्म शाइंड और शोन। अब आप यहाँ पर शाइन और शोन, जो सेकेंड फॉर्म है उसमें दो चीज़ें दे रखी है, या तो आप शाइंड याद कर लीजिए या शोन याद कर लीजिए, ठीक है ना, और थर्ड फॉर्म तो शोन होगी ही सही। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, शूट यानी गोली मारना, शूट का मतलब होता है गोली मारना, इसकी सेकेंड फॉर्म होगी शॉट और थर्ड फॉर्म भी होगी शॉट। नेक्स्ट है शो यानी दिखाना, सेकेंड फॉर्म होगी शॉर्ड और थर्ड फॉर्म होगी शॉर्ड, शॉन। अब यहाँ पर क्या है, सेकेंड और थर्ड इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, सेकेंड फॉर्म क्या है शॉर्ट, अब आप सेकेंड फॉर्म आपको पता आ गई, और आपको उसी तरह से अगर आप थर्ड फॉर्म भी बना देंगे ना तो वो गलत हो जाएगी। यहाँ पर थर्ड फॉर्म में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या है शॉन है, SHOWN शॉन है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, इसकी सेकेंड फॉर्म होगी श्रंक और थर्ड फॉर्म होगी श्रंक। नेक्स्ट है शट
शट का मतलब होता है बंद करना और तीनों फॉर्म एक जैसी है, शट शट शट। सिंग यानी गाना, सेंग और संग, सिंक डूबना, सेंक और संक, सिट बैठना, सेट सेट, स्ले यानी मार डालना। अब यहाँ पर क्या है, स्ले का मतलब क्या होता है, मार डालना, ठीक है। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म में दो दे रखी है, ठीक है। एक तो है स्लू, स्लू दे रखी है, और एक है स्लेड। तो आप दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म होगी स्लैन। नेक्स्ट है स्लिप। स्लिप का मतलब क्या होता है, सोना, नॉर्मल है, स्लिप का पता तो सबका ही पता होता है। अब इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्लैप्ड और थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ड, ठीक है। स्लाइड यानी फिसलना, और स्लाइड की सेकंड फॉर्म होगी स्लीड और थर्ड फॉर्म भी होगी स्लीड, ठीक है। नेक्स्ट है स्लिंग यानी फेंक देना, स्लीड यानी कि फेंक देना। अब इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्लंग और थर्ड फॉर्म भी होगी स्लंग। स्लिंक ऊपर वाली थी स्लिंग और नीचे वाली है स्लंग, ठीक है। छिपकर जाना यानी कि चुपचाप निकल जाना या छिपकर जाना, ये इसका मीनिंग होता है। इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्लंक और थर्ड फॉर्म भी होगी स्लंक। नेक्स्ट है स्मेल यानी सूंघना। अब इसके दो दो टाइप्स बता रखे हैं सेकंड और थर्ड में, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। स्मेल्ट या स्मेल्ड, स्मेल्ट या स्मेल्ड, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्माइट। स्माइट का मतलब होता है मारना या प्रहार करना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्मोट और इसकी थर्ड फॉर्म होगी स्मिटन। नेक्स्ट है सो यानी बोना, किसी चीज को बोना यानी बीज लगाते ना अपन, बोना, वो वाला बोना है यहां पर, ना कि कदमे है, ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी शोड और इसकी थर्ड फॉर्म होगी शोड, दोनों एक जैसी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पोक और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। नेक्स्ट है स्पेल। स्पेल का मतलब क्या होता है, उच्चारण करना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्पेल्ड और इसकी जो यहाँ पर दो दो बता रखी है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे अब तक तो कि आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, स्पेल्ड या स्पेल्ट, स्पेल्ड या स्पेल्ट। स्पेंड यानी खर्च करना, स्पेंट स्पेंट। स्पिल यानी बिखेरना, स्पेल्ट स्पिल्ट, ये हो गया इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। स्पिन सूत काटना, सूत काटना, ये होता है इसका मीनिंग। स्पन या फिर स्पन, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्पन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर, स्पिट यानी थूकना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पट और स्पट, ठीक है। सेकंड और थर्ड दोनों बता दी मैंने आपको। स्पॉइल यानी खराब करना, अब इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पॉइल्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी स्पॉइल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रेड यानी फैलाना, और इसकी सेकंड फॉर्म भी होती है स्प्रेड और थर्ड फॉर्म भी होती है स्प्रेड। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रिंग यानी उछालना, उछालना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी हमारी स्प्रिंग और इसकी थर्ड फॉर्म होगी हमारी स्प्रंग। नेक्स्ट है स्टैंड यानी खड़ा होना, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्टूड और इसकी थर्ड फॉर्म भी होगी स्टूड। अब यहां तक आप बने हुए हैं ना, तो थोड़ी सी वीडियो और बची हुई है, पूरी देखकर जाइएगा, सारे वर्ड्स सीख के जाइएगा, सारी वर्ब्स और सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सीख के जाइएगा यहां तक बने हुए हैं तो। वैसे बहुत ही कम होते हैं जो यहां तक बने हुए होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टिल यानी कि चुराना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टॉल और इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्टॉलन। नेक्स्ट है स्टिक यानी चिपकाना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्टक और थर्ड फॉर्म होगी स्टक। नेक्स्ट है स्वेयर यानी कसम खाना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्वेयर की स्वर और थर्ड फॉर्म होगी स्वॉर्ड। नेक्स्ट है स्टिंग यानी डसना या डंक मारना, वो सांप डसना, सांप डसता है ना, उसके लिए यही वर्ब यूज की जाती है, स्टिंग यानी डसना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्टिंग की स्टंग और थर्ड फॉर्म होगी स्टंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऊपर वाली थी स्टिंग और नीचे वाली है स्ट्रिंग यानी धागे में गुथना, धागा पिरोना होता है ना, धागे में गुथना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्ट्रंग और थर्ड फॉर्म भी होगी स्ट्रंग। नेक्स्ट है स्वाइप यानी झाड़ू लगाना, क्या है, स्वाइप यानी झाड़ू लगाना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्वेप्ट और थर्ड फॉर्म भी होगी इसकी स्वेप्ट। नेक्स्ट है स्विम तैरना,
अब इसकी सेकंड फॉर्म होगी सोम और थर्ड फॉर्म होगी सोम। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का है, जो सेकंड है उसका है सोम और जो थर्ड है उसका है सोम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्विंग यानी झूलना, झूलना स्विंग। इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्वैंग और स्वंग और थर्ड फॉर्म होगी स्वंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक यानी लेना और सेकंड फॉर्म होगी टुक, थर्ड टेकन। टीच सिखाना, टॉट टॉट। नेक्स्ट आते हैं टियर यानी फाड़ना। अब इसकी सेकंड फॉर्म होगी टोर और थर्ड फॉर्म होगी टॉन। नेक्स्ट है टेल यानी कहना और सेकंड टोल्ड और थर्ड भी टोल्ड। थिंक सोचना, टॉट टॉट। थ्रो फेंकना। नेक्स्ट है इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है थ्रू और थर्ड फॉर्म है थ्रोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिड यानी कुचलना। ट्रिड, ट्रिड का मतलब होता है कुचलना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी ट्रोड और थर्ड फॉर्म होगी इसकी ट्रोडन। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड यानी समझना और इसकी सेकंड फॉर्म होगी अंडरस्टूड और थर्ड फॉर्म भी होगी इसकी अंडरस्टूड। अंडरटेक यानी हाथ में लेना, कोई काम हम हाथ में लेते हैं ना तो उसको हम इस वर्ब से यूज करते हैं, अंडरटेक यानी हाथ में लेना, अंडरटुक और अंडरटेकन। वेक यानी जगाना, वेक का मतलब होता है जगाना या जागना। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वॉक और थर्ड फॉर्म होगी वॉकन। अब है नेक्स्ट है वेयर यानी पहनना, कपड़े वगैरह पहनते हैं ना तो उसके लिए ये वर्ब यूज़ की जाती है वेयर। कोई भी चीज़ जो हम पहनते हैं उसके लिए ये वर्ब यूज़ की जाती है वेयर। इसकी सेकंड फॉर्म होगी वॉर और थर्ड फॉर्म होगी वॉर्न। नेक्स्ट है वीव यानी कि बुनना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वोव और थर्ड फॉर्म होगी वोवन। नेक्स्ट है वीप यानी रोना, वीप यानी रोना। अब इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही है, वेप्ट और वेप्ट। विन यानी जीतना। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म है ना उसको गलत पढ़ते हैं, वोन पढ़ते हैं बहुत से और बोलते हैं मैंने सुना है, पर इसकी जो प्रोनंसिएशन है ना वो होता है वन। क्या होता है? वन। अब आपको पता चल गया ना तो आप गलत बोलना मत और दूसरों को भी बताना कि ये क्या होता है, वन होता है वन। ठीक है, वन वन दोनों फॉर्म सेकंड और थर्ड। अब नेक्स्ट है हमारी वाइंड यानी लपेटना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वाउंड और थर्ड फॉर्म होगी वाउंड। नेक्स्ट है विड्रो, विड्रो का मतलब होता है वापस लेना निकालना, वापस लेना या निकालना, पीछे लेना निकालना, ये इसका मीनिंग होता है। जैसे अपन बैंक में जाते हैं ना वापस निकालना, अपना पैसा अपने निकालते हैं, निकालना मीनिंग हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी विड्रू और थर्ड फॉर्म होगी विड्रॉन। क्या होगी? विड्रॉन। और इस जो आज की वीडियो की हमारी लास्ट वर्ब है वो है राइट। राइट का मतलब होता है लिखना और इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। और एक और बच गई, ये भी देखते जाओ, इस है चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना और इसकी सेकंड फॉर्म होती है चेंज्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है चेंज्ड। अब एक चीज अगर आप यहां तक बने हुए हो ना तो एक चीज और बताता हूं मैं आपको। जैसे यहां पर चेंज है, इसका मतलब होता है बदलना और इसकी सेकंड फॉर्म है चेंज्ड और थर्ड फॉर्म है चेंज्ड। अब मैं इनका हिंदी भी आपको बता देता हूं क्योंकि आप लास्ट तक रुके हुए हैं। तो जो इसका सेकंड फॉर्म है चेंज्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ? बदला। ठीक है ना, चेंज्ड यानी बदला। और थर्ड है तो उसका क्या हुआ? बदला हुआ। ठीक है ना, तो ये आप लास्ट तक बचे हुए हैं इसलिए आपको ये प्लस पॉइंट मिला है। तो ये थी आज की हमारी ये वीडियो, बहुत ही बड़ी वीडियो थी, बहुत टाइम लगा पर आप लास्ट तक रुके रहे। आप जरूर अंग्रेजी के लिए बहुत तत्पर हैं, पूरी इंग्लिश अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं इसलिए आप लास्ट तक रुके हुए हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और पास बेल आइकन है उसे हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाली इसी तरह की एजुकेशन वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।